साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जांचें जारी हैं, एनसीबी बड़े चोट बड़े एक्शन की तैयारी में है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में सीबीआई भी सुशांत को लेकर अपनी जांच पूरी कर सकती है और कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर सकती है। वहीं एनसीबी की चार्जशीट में तो रिया चक्रवर्ती प्राइम सस्पेक्ट है। अब इस रिया चक्रवर्ती का एक और पैंतरा सामने आया है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती अचानक रूमी के घर पहुंच गई और वहां खासा तमाशा हो गया और दहाड़े मारकर रिया चक्रवर्ती ने अपनी मनमानी करवा ही ली। जी हाँ, इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और चेहरे फिल्म के निर्माता आनंद पंडित ने रिया को लेकर बड़ी बात कही है, बड़ा इशारा दिया है। तो क्या है रिया का नया पैंतरा, क्या कहा आनंद पंडित ने और क्या हुआ था रूमी के घर पर, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो रिया चक्रवर्ती हर वो पैंतरा आजमा रही है जिससे वो खुद चर्चाओं में रहे, क्योंकि सुशांत के जाने के बाद रिया से अधिकांश लोगों ने दूरी बना ली है। रिया चक्रवर्ती का फिल्मी करियर भी करीब करीब खत्म ही समझो। लेकिन सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर रिया चक्रवर्ती काम कर रही है और वो फॉर्मूला है चर्चाओं में बने रहो, चाहे चर्चा पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से हुआ है। असल में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म चेहरे का ट्रेलर रिलीज किया गया है और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती भी है और रिया का फिल्म में खासा रोल है। लेकिन अब तक फिल्म के पोस्टर, मोशन पोस्टर और यहां तक कि टीजर में भी रिया चक्रवर्ती कहीं नहीं थी और रिया चक्रवर्ती इसे लेकर बेहद नाराज भी थी, क्योंकि ये फिल्म उन्हीं रूमी जाफरी की डायरेक्टेड मूवी है जिस रूमी को रिया अपना करीबी दोस्त कहती रही है। और जब रूमी की फिल्म के पोस्टर में रिया को जगह नहीं मिली तो रिया खासी नाराज हुई थी और परेशान भी हुई थी। अब इसका ट्रेलर आया है। जी हाँ, चेहरे फिल्म के ट्रेलर आया है जिसमें रिया चक्रवर्ती भी 2 सेकंड के लिए नजर आई है। जी हाँ, रिया ट्रेलर में 2 फ्रेम के लिए मौजूद है और चेहरे फिल्म के ट्रेलर को लोग इसीलिए बुरा भला भी कह रहे हैं क्योंकि इसमें रिया चक्रवर्ती है, रिया का चेहरा है। लेकिन रिया का चेहरा इस ट्रेलर में ऐसे ही नहीं दिख गया। जी हाँ, इसके पीछे की भी कहानी है और इसी कहानी का खुलासा किया है फिल्म के निर्माता आनंद पंडित ने। अब आनंद पंडित ने क्या कहा वो भी देखिए और समझिए। चेहरे फिल्म के ट्रेलर में सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिया को दिखाया गया है, यानी अगर रिया चक्रवर्ती को यहाँ नहीं भी रखा जाता, नहीं भी दिखाया जाता तो भी काम चल जाता, लेकिन रिया को ट्रेलर में जानबूझकर दिखाया गया। और इसे लेकर आनंद पंडित ने स्पॉट बॉय से बातचीत करते हुए बताया कि रिया चक्रवर्ती फिल्म का हिस्सा थी और फिल्म का हिस्सा रहेगी। यही नहीं, आनंद पंडित ने कहा कि रिया को फिल्म से कोई नहीं निकाल सकता और रिया को बाहर करने की बात तो कभी आई ही नहीं। इतना ही नहीं, आनंद पंडित ने यहाँ तक कह दिया कि वह बहुत जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। अब आनंद पंडित ने तो कह दिया कि वो किसी की बातों में जल्दी नहीं आते और रिया हमेशा ही फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन यहीं पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा भी रिया को लेकर ही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेलर में रिया चक्रवर्ती को पहले नहीं रखा गया था। जी हाँ, पहले रिया चेहरे के पोस्टर और टीजर की तरह ट्रेलर में भी कहीं नहीं थी, लेकिन फिर अचानक रूमी जाफरी और आनंद पंडित में हाल में एक मुलाकात हुई और रिया को इसके बाद 2 सेकंड के लिए, 2 फ्रेम के लिए ट्रेलर में जगह दी गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि रिया को आखिरी मौके पर ट्रेलर में शामिल किया गया। अब उसकी वजह भी समझिए। असल में बॉलीवुड सूत्रों के मुताबिक हाल ही में रिया चक्रवर्ती रूमी जाफरी से मिलने गई थी और रिया ने रूमी से अपनी नाराजगी जताई थी कि प्रमोशन में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है और रिया इसके लिए काफी दहाड़े मारकर रोई भी थी। पहले रूमी जाफरी रिया को ट्रेलर में लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रूमी जाफरी के सामने रिया ने दहाड़े मारी, खूब रोई धोई और यहीं पर रिया ने एक और पैंतरा चल दिया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने रूमी जाफरी को कहा कि वो उसका यानी कि रिया का चेहरा चेहरे फिल्म के ट्रेलर में जरूर दिखाए और इसके लिए रिया ने दलील ये दी थी कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा न्यूज में है और सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाली सेलिब्रिटी है और चर्चा भले ही नेगेटिव क्यों ना हो, चर्चा होना जरूरी है। और इसी बात को रूमी जाफरी ने मान भी लिया, रिया की बात को मान लिया, पहचान लिया और इसी बात को लेकर
रूमी जाफरी आनंद पंडित से भी मिले और सूत्रों के मुताबिक फिर जाकर तय किया गया कि रिया को ट्रेलर में लिया जाएगा और वो भी सिर्फ 2 सेकंड के लिए, ताकि रिया के नाम से, सुशांत के नाम से चेहरे फिल्म को, चेहरे के ट्रेलर को बज मिल जाए, ट्रेलर ट्रेंड हो जाए और बाकी का काम तो अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी कर ही देंगे। यानी कि रिया चक्रवर्ती को ट्रेलर में दिखाने और सिर्फ 2 ही सेकंड दिखाने की बात पूरी तरह से सोची समझी थी और इसके पीछे भी रिया चक्रवर्ती का ही दिमाग था, रिया का ही पैंतरा था, क्योंकि रिया पिछले 9 महीनों में इतना तो समझ चुकी है कि नेगेटिव खबरों में बनी हुई है और उसी को कैश कराते हुए चेहरे के ट्रेलर को, चेहरे फिल्म को हिट कराने की कोशिश हो रही है। अब हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि रिया चक्रवर्ती के चाल कामयाब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोर्ट ने रिया को बरी नहीं किया है और रिया सुशांत मामले में मुख्य आरोपी है। रिया को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता और रिया चक्रवर्ती सुशांत के फैंस के इमोशन से खेलना चाहती है तो ये बहुत बड़ी गलती है और इसका खामियाजा रिया चक्रवर्ती के साथ साथ रिया की फिल्म चेहरे को और चेहरे की पूरी स्टारकास्ट के साथ साथ चेहरे से जुड़े सभी लोगों को भी उठाना पड़ सकता है और चेहरे का हाल भी कुछ कुछ सड़क 2 के हाल जैसा हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, क्या रिया अपने इस नए पैंतरे में कामयाब हो पाएगी या फिर सुशांत के चाहने वाले एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा ही देंगे? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर 14 जून को हुआ क्या था। 9 महीने बाद भी पूरा सच सामने नहीं आ पाया है, हालांकि अब सच सामने आने की पूरी उम्मीद दिख रही है, क्योंकि सीबीआई के साथ साथ एनसीबी ने सबसे बड़े एक्शन की, सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज करने को लेकर फैसला होने जा रहा है। जी हाँ, आज सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है। एनसीबी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और एनसीबी की इस याचिका पर चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच में सुनवाई है। अब यहाँ पर बड़ी बात समझिए, एनसीबी ने कोर्ट में जो पुख्ता सबूत और गवाहों की लिस्टिंग पेश की है वो इतने सटीक और इतने गंभीर हैं कि रिया चक्रवर्ती की जमानत खारिज होना करीब करीब तय है और रिया की जमानत जैसे ही खारिज होगी वैसे ही रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। अब यहाँ पर रिया की तरफ से वकील रिया को छूट देने की मांग कर सकते हैं, सरेंडर से बचने की मांग कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होती है और इसके लिए आरोपी को वहीं पर कोर्ट में सरेंडर करना होता है और रिया ने अगर सरेंडर नहीं किया तो रिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होगा और अगर रिया इस वारंट के बाद भी पेश नहीं होती है, सामने नहीं आती है रिया चक्रवर्ती, तो फिर तो रिया को गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेजनी पड़ेगी। और आगे समझिए, अगर किसी वजह से रिया चक्रवर्ती कहीं गायब हो जाती है या फिर रिया चक्रवर्ती किसी वजह से कहीं फरार हो जाती है तो फिर तो रिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है और फिर तो रिया की मुश्किलें कुछ नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगी। रिया का काम तमाम होना फिर तो तय हो जाएगा। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।